10 विपत्तियां जो थी, 10 महान आश्चर्य कर्म कह लीजिए या 10 विपत्तियां कह लीजिए जो मिस्र के ऊपर भेजी थी, उस विपत्तियों का कोई असर समस्त इसराइलियों पर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा से वो घिरे हुए थे, परमेश्वर ने उनको अपनी सुरक्षा में ढांप रखा था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके पहले पद से हमने सीखा था कि 4 सरदूत जो है पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े हैं, हवा को थामे हुए, हवा को पकड़े हुए, वो क्या है आप पिछले संदेश में हम सीख चुके हैं। परंतु आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 पद से लेकर 4 पद तक के विषय में। जी हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं 144,000 के लोगों के बारे में। और यहां पर हम जो है पहले एक बार फिर से इन पदों को पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 पद से लेकर 4 पद तक। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों सरदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई है। अब यहां जो है बड़े समझने की बात है। पिछले संदेश में यानी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पहले पद में हमने 4 सरदूतों को देखा था, परंतु यहां पर प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 2 से 4 पद में हम एक और सरदूत को देखते हैं। अब ये एक और सरदूत जो है वो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है। अब यूहन्ना को जो है एक और सरदूत दिखाई दे रहा है और वो क्या कह रहा है, चारों सरदूत जो है ये पृथ्वी की चारों दिशाओं को हवा को थामे हुए खड़े हैं, परंतु ये जो सरदूत है ये बिल्कुल अलग है, ये पूर्व दिशा से जो है परमेश्वर की मोहर को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूहन्ना को पूर्व दिशा से आ रहा है, अब ये परमेश्वर की मोहर को लिए हुए वो जो है यूहन्ना ये दिखाई दे रहा है। वे सरदूत वो उन चारों सरदूतों से जो चारों दिशाओं में हवा को थामे हुए खड़े हैं उनसे ऊंचे शब्द से पुकार कर क्या कहता है, अब ध्यान दीजिएगा, पुकार कर कहता है कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक तुम लोग पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना, जिनके माथे पर मोहर की जा रही है। अब यहां पर सिर्फ इसराइल के 12 गोत्रों के बारे में बताया गया है कि 144,000 जो इसराइल में से जो चुने गए हैं उनके माथे पर जो है वो मोहर लगाने का वर्णन है। आप एक बात और ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को जब 12 से 17 पद तक हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने इस बात का वर्णन करा था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है उसके जो छठी मोहर है वो खुल चुकी है और यूहन्ना उन घटनाओं को देख रहा है, परंतु वो घटनाएं अभी पृथ्वी पर पूरी नहीं हुई हैं। क्यों नहीं पूरी हुई हैं? यही कारण है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के माथे पर मोहर लगा रहा है कि जब वो घटनाएं इस पृथ्वी पर घटित हों तो वो भयंकर विपत्तियों से ये लोग बच जाए। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन बातों में। और इसलिए 7वीं मोहर और 6ठी मोहर के बीच का जो समय है वो बचाव का समय है। ये जो समय चल रहा है ये बचाव का समय चल रहा है। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों के माथे पर मोहर लगाने का समय चल रहा है। अब हम शैतान की मोहर लें या परमेश्वर की मोहर लें ये आप पर डिपेंड करता है कि हम किसकी मोहर लें। यहां जो 5वां सरदूत पूर्व दिशा से क्यों आता है और ये 144,000 जो लोग हैं ये कौन है, ये 144,000 जो इसराइली जरूर हैं परंतु इन इसराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अर्थात मेमने को जो वध किया हुआ मेमना उसको स्वीकार कर लिया है और अपना जीवन उसको दे दिया है और ये मेमने के साथ खड़े हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये मेमने के साथ जो है 144,000 जो है वो खड़े हुए हैं।
योना जो है उनको सियोन पहाड़ पर देख रहा है, जी हाँ, और उनके माथे पर जो मोहर है वो लगी हुई है। मोहर के बारे में भी बात करेंगे, मगर ये पूर्व दिशा से जो वो आए हुए लोग हैं। अब सबसे पहला कारण क्या है कि उस सरदूत को पूर्व दिशा से आने का कारण क्या है कि जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकालकर कनान देश में पहुंचाया तो उनको गोत्रों के अनुसार जो है वो हर एक दिशा में रखा। देखिए दिशा की बात शुरू से प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में शुरू से चली आ रही है, इसलिए इस दिशा को थामे रहें। अब पूर्व दिशा में जो रखे गए थे, जब आप गिनती 2 अध्याय 1 से 34 पद तक पढ़ेंगे, जो छावनी में गोत्रों का क्रम जो है वो रखा गया है पूर्व दिशा में, जो रखे गए हैं यहूदा, इस्साकार और जबुलून के गोत्र के लोग जो हैं उनकी छावनी जो है पूर्व दिशा में रखी गई है। अगर आगे आप देखेंगे जो रखे गए हैं कि दक्षिण दिशा में रूबेन और शिमोन और गाद की छावनी है, पश्चिम दिशा में एप्रेम, मनशशे और बिन्यामीन की छावनी है, उत्तर दिशा में दान, अशेर और नप्ताली की जो है वो छावनी है, परंतु इसमें लेवी नहीं गिने गए। लेवी क्यों नहीं गिने गए? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो लेवी हैं, जो परमेश्वर के याजक हैं, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वो इसराइलियों के साथ ना गिने जाए, इसलिए लेवी जो थे वो नहीं गिने गए और परमेश्वर ने इनको अपने लिए अलग कर दिया गया था। आप गिनती 2 अध्याय उसके 33 पद को जो है आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब जब हम प्रकाशित वाक्य 5:5 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जो आना है वो पूर्व दिशा से है और यीशु मसीह का जो आना है वो यहूदा के गोत्र से निकलकर आया है। जी हाँ, यहूदा के गोत्र से निकलकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहां, उसका गोत्र कहां पर है? वो यहूदा के गोत्र यानी पूर्व दिशा से है, और इसलिए वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो सरदूत जो है उस मोहर को लेकर आ रहा है। वो उत्तर दिशा से भी आ सकता था, दक्षिण दिशा से भी आ सकता था, पश्चिम दिशा से भी आ सकता था, मगर पूर्व दिशा से क्यों आ रहा? पूर्व दिशा में आने का कारण ही यही है कि यहूदा का गोत्र जो है वो पूर्व दिशा की ओर है और प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से निकलकर आया है। और यीशु मसीह जो है, जब आप यीशु मसीह के जन्म की बात पढ़ेंगे, जन्म के बारे में बात करेंगे, जो 3 राजा जो पहुंचे हैं वो भी पूर्व दिशा में, वो कहते हैं कि हमने उसका तारा देखा है। जी हाँ, उसका तारा यानी वो सरदूत प्रभु यीशु मसीह से वो पूर्व दिशा से मोहर लेकर जो है वो आ रहा है और उनके अपने लोगों के माथे पर मोहर लगाने के लिए आ रहा है। ये बड़ा मेन जो बात है, ये समझने की बात है। फिर हम इस पद को प्रकाशित वाक्य 7 और उसके 3 और 4 पद को जरा देखें, यहां क्या लिखा हुआ है। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। देखिए मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, चौथा पद भी पढ़ लेता हूं। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तब तक हानि मत करना जब तक मोहर ना लगा दे। हानि कब होगी, कब वो विपत्ति आएंगी? जब परमेश्वर के लोगों के माथे पर मोहर लग जाएगी, परमेश्वर की मोहर लग जाएगी। अब जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग गई वो उस विपत्ति से सुरक्षित हो जाएगा, उसको कोई हानि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र से लोगों को निकालकर ला रहा था, मिस्र के राजा फिरौन ने जब उनको नहीं जाने दे रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत सी 10 विपत्तियां जो थी, 10 महान आश्चर्यकर्म कह लीजिए या 10 विपत्तियां कह लीजिए, जो मिस्र के ऊपर भेजी थी, वो पूरे मिस्र के ऊपर थी, परंतु इसराइलियों के ऊपर कोई भी उस विपत्ति का आंच तक नहीं आई। उस विपत्तियों का कोई असर समस्त इसराइलियों पर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा से वो घिरे हुए थे, परमेश्वर ने उनको अपनी सुरक्षा में ढांप रखा था। अब बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी विपत्तियां आई, मिस्र में तो इजरायली भी रह रहे थे, परंतु और जब निकल कर आए हैं, सिर्फ पुरुषों की, पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या है 6 लाख पुरुषों की संख्या है। अब सोचिए लाखों की तादाद में वहां पर इजरायली हैं, परंतु उनमें से बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी पर भी उस विपत्ति का असर नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा में थे। ऐसे ही जब 6ठी मोहर खुलने से पहले, 7वीं मोहर पूरी होने से पहले, 6ठी मोहर पूरी होने से पहले, 6ठी मोहर खुल चुकी है, 6ठी मोहर पूरी होने से पहले, 7वीं मोहर पूरी होने से पहले जो विपत्तियां आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, वो परमेश्वर जो है अपने लोगों को पहले से सुरक्षा के घेरे में रख लेगा।
और उन्हीं को रखेगा जिनके माथे पर जो है परमेश्वर की मोहर है। ये समझना है जिनके माँ, और वो जो किसके साथ खड़े हैं, वो परमेश्वर के साथ खड़े हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं जिनके माथे पर जो है प्रभु यीशु मसीह की मोहर दी गई है। और यहाँ जो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 12वें पद में एक बात लिखी हुई है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखिए परमेश्वर की मोहर क्या है, उनके माथे पर जो है वो अपनी नाम जो है वो लिखेगा। हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वो सॉरी प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 1वें पद की बार बार बात कर रहे हैं, जरा एक बार पढ़ लेते हैं जो मोहर लगने वाली बात है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 1वां पद, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। जी हाँ, जैसा अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3:12 में कि उसका और उसके पिता का नया नाम उनको दिया गया है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर की ये मोहर होगी, परमेश्वर की वो मोहर होगी, भाई हम क्यों मान लें परमेश्वर की कौन सी मोहर होगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि उनके माथे पर परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम लिखा हुआ है, उनको नया नाम दिया गया, उनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम है। आप कुछ भी कहते रहिए, हम क्यों माने, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा, जो परमेश्वर का वचन हमें बताएगा, हम वही कहेंगे। कोई कहता है कि साहब परमेश्वर की मोहर गिनतियों में नहीं है, नाम लिखे हुए हैं, और वो नाम लिखे गए हैं। अभी हम परमेश्वर को यहोवा नाम से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जानते हैं, मगर वो एक नया नाम जो होगा, जो हमारे माथे पर लिखा होगा परमेश्वर का और मेमने का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का, वो नया नाम होगा और उसको पाने वाले के सिवा और किसी को नहीं पता होगा। वो परमेश्वर का नाम होगा, वही मोहर होगी परमेश्वर के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इस बात को ध्यान रखें, मोहर लगाने का कारण मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर जो है मोहर लगाने का कारण क्या है, कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा उन विपत्तियों से जो मोहरों के द्वारा खुलने जा रही हैं, और परमेश्वर जो है इस दुनिया में जो विपत्तियां डालने जा रहा है उनसे सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा। जरा ध्यान करिएगा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 1-4 पद में जो लिखा है कि पृथ्वी और समुन्दर और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना, पहले परमेश्वर के लोगों के माथे पर मोहर लग जाए तब जो है उनकी हानि करना ताकि मेरे लोग सुरक्षित हो जाएं। फिर आप जब एजेकेल 9 अध्याय 1-11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू मार काट, परंतु मार काटने से पहले, सबका विनाश करने से पहले रुक जा, ठहर जा। पहले क्या लिखा हुआ है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उनको छोड़ देना। बिल्कुल साफ आप एजेकेल 9 अध्याय 1-11 पद तक पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उनको छोड़ देना, उनकी कोई भी हानि ना करना, उनको ना मारना। फिर लिखा चिन्ह, बहुत से लोग जो है चिन्ह साइन को मोहर समझने की गलती कर जाते हैं, जिनका प्रयोग जो है वो चिन्ह के रूप में किया गया। बहुत से लोग जो है चिन्ह जो है, जैसे चिन्ह हम मान लेते हैं कि ये जो चिन्ह है कोई भी चिन्ह है, बहुत से लोग सबत को जो है परमेश्वर की मोहर मानते हैं। सबत एक चिन्ह है, सबत एक मोहर नहीं है। पुराने नियम में चिन्ह जो है 105 चिन्ह दिए गए हैं, नए नियम में 64 चिन्ह दिए गए हैं, कुल चिन्ह जो है 169 चिन्ह बाइबल के अंदर दिए गए हैं। अब 169 चिन्ह दिए गए हैं तो क्या हम सभी चिन्हों को परमेश्वर की मोहर मान लें? नहीं, परमेश्वर की मोहर स्पष्ट तरीके से प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 1वें पद में लिखा हुआ है कि उनके माथे पर जो मोहर दी गई है, जो मोहर लगाई गई है, वो परमेश्वर के नाम की और प्रभु यीशु मसीह के नाम की दी गई है, वो नया नाम जिसको पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानता, यह है परमेश्वर की मोहर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय जो है मोहर लगने का जो काम है उसके बारे में वर्णन, अभी तो ये सिर्फ इसराइलियों की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि और के जो इसराइलियों को छोड़ के जो परमेश्वर के लोग हैं उनके माथे पे नहीं है, सबके माथे पे होगी। कैसे होगी ये सब जो है आने वाले संदेशों में आप सुनने पाएंगे, आने वाले संदेशों में आप देखने पाएंगे, और परमेश्वर की मोहर जो है कैसे लग रही है। इसलिए तैयार रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए, इससे पहले कि शैतान हमारे माथे पर अपनी मोहर लगा दे या हमारे दाहिने हाथ पे अपनी मोहर लगा दे, आइए हम परमेश्वर की मोहर अपने माथे पर ले लें ताकि उन सारी घटनाओं से जो इस पृथ्वी पर घटित होने वाली हैं विपत्तियों से सुरक्षित हो जाए, अपने जीवन को सुरक्षित कर लें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।